डॉक्टर संदीप भारद्वाज एमपीटी न्यूरो कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन जेके लॉन एसएमएस हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था वो एक्सरसाइजेज मुझे उम्मीद है आप सबने कर ली होगी। जो अपर बैक पेन है या मिडिल बैक पेन है या जिनके काइफोटिक कर्व है उन लोगों के लिए अब पार्ट टू में लेकर आया हूँ। ये पार्ट टू के एक्सरसाइजेज आपको पार्ट वन के बाद ही करने हैं। इसमें एक्सरसाइजेज के लेवल बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा आने वाली हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी हैं। सेम वैसे ही जैसे कि आपने पार्ट वन की एक्सरसाइजेज फॉलो की हैं, ऐसे ही पार्ट टू के एक्सरसाइजेज भी आपको करने हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले हैं आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है पार्ट वन की एक्सरसाइजेज करने के बाद, तो अब पार्ट टू के एक्सरसाइजेज आप स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, इसमें अब आपको क्या करना है, सेकेंड लेवल की एक्सरसाइज में डंबल लेने अगर आपके पास अवेलेबल है, और डंबल नहीं है जैसा कि मेरा मिशन है मैंने आपको बताया, घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसी से करना है, तो 1-1 लीटर के पानी के बोतल लेंगे दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ बिना परचेज किए बिना उसका वेट किए एक्सरसाइज में डिले ना करें, हैंड टू हैंड एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें जैसा ही मेरा वीडियो आता है। तो इसमें आपको वही एल्बो ये टच करने हैं इस तरीके से, डंबल हाथ में रहेंगे, ऊपर जाएंगे टच रखते हुए, देन नीचे आएंगे, वॉल पे आपको टच रखना है जो वाटर बॉटल होगी उसको या डंबल आपके पास है, देन डाउन। बहुत अच्छी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है, साथ में स्ट्रेंथनिंग भी होगी। इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशन करेंगे 5-5 सेकेंड की, ये एक रिपीटेशन होगा। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम यहाँ पे है तो इसमें चेयर आप अलग अलग लेवल के चेयर ले सकते हैं, जैसे आपकी हाइट है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चेयर पे इस तरीके से बैठेंगे, और आपको अगर इस लेवल पे प्रॉब्लम है जिस लेवल पे चेयर आ रही है इस जगह से इस तरीके से करना है, यूँ रखेंगे अपने दोनों हैंड बैक साइड पर रखेंगे अपने नेक पर और पीछे की तरफ जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं जो चेयर का बैक है वो उसी जगह पे उसको स्ट्रेच कर रहा है और एक अंदर की तरफ अपवर्ड फोर्स क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से वहाँ ऑटो स्ट्रेच भी हो रही है, और जो काइफोटिक कर्व है वो उस पर प्रेशर की वजह से वो अपने वापस जहाँ से वो काइफोटिक हुआ है तो अपनी जगह पे वापस जाता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से वापस से देखिए इस एक्सरसाइज को, अपने हैंड बैक साइड में रखने, देन डाउन। आपको ये 15 सेकेंड होल्ड रखना है और ऐसे 4 रिपीटेशंस करना है। सेकेंड नंबर, अगर किसी को यहाँ पेन है उससे ऊपर वाले एरिया पे और कर्व काइफोटिक ऊपर है, थोड़ा पेन भी यही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अभी ये सपोर्ट था इसको हटा देंगे या चेयर को आप चेंज कर लेंगे हाइट, उसके बाद अब आप देखेंगे तो ऊपर हो गया, हैंड यहाँ रखेंगे, इसके बाद अगर आपको और थोड़े ऊपर के लेवल पे आना है तो आप थोड़ा आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाइए, देन डाउन। इसके बाद हैंड वैसे ही यहाँ रखेंगे और बैक होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। आपको 15 सेकेंड काउंट करना है, देन रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको लेटना है, यूँ लेटने के बाद आपने इस तरीके से दोनों हैंड पीछे रखने और ऊपर की तरफ देखना है, 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स, 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये आपको 5 रिपीटेशंस करने। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, दोनों हैंड आगे की तरफ रखने और ऊपर उठना है, देन पीछे लाना है। इसमें आप देखेंगे तो आपके स्कैपुला और जो मिडिल बैक है वो अच्छे से स्ट्रेंथन होंगे, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, से थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है तो ये सबसे लास्ट में करेंगे, पहले हैंड ऊपर रखने हैं, अपनी बैक उठाना है और इस तरीके से एल्बो पीछे करेंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, देन रिलैक्स, स्टार्टिंग विद द 10 सेकंड, देन 15, देन 20, 20 सेकंड तक जाते हुए आपको 4 रिपीटेशंस ही करने और 10 सेकंड के आपको 7 रिपीटेशंस करने। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने दोनों हैंड्स आपस में ऐसे पकड़ने, ऐसे टच करने के बाद अपने जो स्कैपुला है शोल्डर ब्लेड है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको 20 सेकंड होल्ड करना है और 5 रिपीटेशंस करने। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेस करने के बाद आप फील करेंगे कुछ दिनों में कि आपकी बैक
जो आपका पॉस्चर है वो जो राउंड बैक था वो काफ़ी सही होने लगा है। मेरा मिशन है कि आप लोग फिट रहें और घर पे ही ठीक हो जाए, जहाँ तक है नहीं ठीक हो पा रहे तो आप जयपुर में आके मुझसे मिलें, 3 ब्रांचेज है जयपुर में, या फिर ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप एक व्हाट्सअप मैसेज करेंगे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, इसके लिए भी प्री अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो ही नोटिफिकेशन आए आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें, कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कई बार आप लोगों को लगता है कि सर ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आप पीछे रिप्लाई देखेंगे तो मैं कॉमन क्वेश्चंस का एक रिप्लाई करता हूँ। और फ्रेंड्स आगे आने वाले समय पर आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा आपके जो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे उनका लाइव आंसर दूंगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको रिपीटेशंस बताए इस एक्सरसाइज में, हर एक्सरसाइज के साथ मैंने वो काउंटिंग बताई है, कितने काउंट तक करना है, कितने रिपीटेशंस करना है, एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को आप शेयर करें ताकि उन लोगों के पास पहुंचे जो इस तकलीफ में है, क्योंकि एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है तो उसको कंप्लीट करूं और आप कंप्लीट फिट हो, इसलिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए उसी समय से आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दें। मेरा नाम मोहित है, शुरू में मेरे इधर दर्द हुआ करता था तो मैंने सोचा कोई बात नहीं ऐसे ही हो रहा है दर्द, लेकिन ये दर्द एक साल में बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, पूरा पैरों के नीचे तक, यहाँ तक कि फिंगर्स में भी आ गया था, पैरों की फिंगर्स में। लेकिन मैं 2 महीने में इतना रिकवर हो गया कि अब मेरे बिल्कुल पेन नहीं है, मेरे को 2-3 महीने और एक्स्ट्रा हो गए मैं बिल्कुल ठीक, मेरे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। पहले मैं 20 मिनट भी नहीं बैठ पाता था कुर्सी पे, जैसे मेरे को बैठना होता था कमर सीधी करके 20 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। आज मेरे को आप बोलोगे 2 घंटे बैठने के लिए, मैं 2 घंटे ही बैठ सकता हूँ। और मेरा ये पैर जो है पहले 30 डिग्री तक उठ पाता था, अब मैं पूरे इसको 90 कर देता हूँ। MRI रिपोर्ट में L4-L5 पे दिक्कत थी और थोड़ा बहुत माइनर L6 या S1 में भी दिक्कत थी। पहले तो मैं अंग्रेजी दवाइयां ली, अंग्रेजी दवाइयों से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पेन किलर से ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि अपन है ना ऐसे सोचते हैं मेरे दर्द सही हो गया और अपन बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं अपने दर्द के बारे में। इस वजह से मैंने अंग्रेजी दवाइयां छोड़ दी, एक्यूप्रेशर भी लिया, एक्यूप्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्यूप्रेशर वाले ने बोला आप रेस्ट करो जितना हो सकता है रेस्ट करो बस, रेस्ट से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर यहीं आना पड़ा आखिरकार मुझे। मेरे को 2-3 महीना हो गया ट्रीटमेंट बंद किए और मैं बिल्कुल ठीक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसे मैंने आपको बताया बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि मेरा मिशन है कि आप सब लोग घर पे ठीक हों।